हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनल श्रीवास्तव, योर एसएसटी टीचर। टुडे आई विल टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट। तो स्पेशल एटीट्यूड्स, सम स्पेशल एटीट्यूड्स कौन कौन से हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द लाइन्स डेट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, वो लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं और जिनकी लेंथ क्या है, बराबर होती है। देयर टोटल नंबर इज 360, इनके नंबर कितने होते हैं 360, एंड आर कॉल मेरिडियंस। उनको क्या कहते हैं, मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इन द यूके इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। वह लाइन जो कहाँ से पास होती है, ग्रीनविच जगह है लंदन के पास यूके में, उसको क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन, वहीं से पास होती है तो उसको क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन। दिस स्पेस लाइन हैज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, स्पेस लाइन है, इसकी लाइन के पास क्या है, उसकी क्या बेस है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड। ठीक है, वहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 180 ईस्ट की तरफ और 180 वेस्ट की तरफ। तो 180 इज इक्वल टू 360। लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड दोज टू द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं और जो वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड होते हैं उनको क्या, वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या करता है, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, कौन कौन से, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इक्वेटर भी क्या है, दो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ की तरफ जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको क्या कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे हेमिस्फीयर होते हैं साउथ की तरफ उसको क्या कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही जैसे ईस्ट की तरफ जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो वेस्ट की तरफ हेमिस्फीयर होते हैं उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, लॉन्ग जो लेटर फॉलोड करते ई को क्या करते हैं, ईस्ट की तरफ जो हेमिस्फीयर होते हैं उनको ई से दर्शाया जाता है और जो वेस्ट की तरफ होते हैं उनको डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन क्या होते हैं, सेम लाइन में होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड, द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विच इंटरसेक्ट। ठीक है, जो काटती हैं किसको, ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं एट राइट एंगल्स, जिस एंगल में काटती हैं फ्रॉम द नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड। ठीक है, जो नेटवर्क बनाती है उसको क्या कहते हैं, ग्रिड। अ ग्रिड हेल्प्स इन लोकेटिंग प्लेसेज। ठीक है, ग्रिड क्या करता है, किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए कि वो कहाँ स्थित है ये आपको बताता है। लेट अस टेक दिल्ली फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, दिल्ली को हम एग्जाम्पल में लेते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली इज 28 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड दिल्ली का क्या है, 28 डिग्री नॉर्थ है, एंड द लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 77 डिग्री ईस्ट, और लॉन्गिट्यूड क्या है 77 डिग्री ईस्ट में। दिल्ली विल बी एट द पॉइंट वेयर द पैरेलल ऑफ पैरेलल ऑफ 28 डिग्री नॉर्थ एंड मेरिडियन ऑफ 77 डिग्री ईस्ट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो दिल्ली कहाँ है, जहाँ पे पैरेलल क्या है, लैटिट्यूड जहाँ पे 28 डिग्री नॉर्थ में है और 77 डिग्री ईस्ट में, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को काटे हुए हैं या मिले हुए हैं कह सकते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, यह मेथड क्या है, बहुत यूजफुल है और ये हेल्प करता है किसी पृथ्वी पर किसी भी देश को लोकेट करने में कि वह कहाँ स्थित है ऑन द ग्लोब और ऑन द मैप, किसी ग्लोब पे या फिर किसी मैप पे। ओके,